अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आई चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो तो बहुत ही हसीन और ख़ूबसूरत लोगों के लिए है कि वो किस तरीके से खूबसूरत बन सकते हैं, और वो भी एक अनार की हेल्प से। तो अनार के इतने फ़ायदे हैं कि अगर मैं इस वीडियो में कम्प्लीट करना चाहूँ तो वो भी नहीं हो सकते। यहाँ पर मैंने अनार लिए हैं, 1 kg से थोड़ा अबव हैं, और इनके छिलकों को मैंने अलग कर लिया है। तो यहाँ पर छिलकों को भी वेस्ट नहीं करना है, और सबसे पहले हम बनाएँगे अनार का शरबत। और मैं कैसे अनार का शरबत बनाती हूँ और कितना रिफ़्रेशिंग लगता है आपको इसको पीने से, तो चलें सबसे पहले हम बनाएंगे अनार का शरबत और इसके इंटरनली कितने फ़ायदे हैं अगर आप ये जान लें तो सच में आपकी बहुत सी बीमारियों का हल मिल जाता है आपको। तो अनार के अंदर बेतहाशा बीमारियों का इलाज है। अनार तो वैसे भी जन्नत का एक फल है, और जन्नत के फल को हम नज़रअंदाज कैसे कर सकते हैं? तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं अनार का शरबत। तो यहाँ पर जो मैंने अनार लिए थे उनको जूसर के जग में डाल देंगे और इसका जूस निकाल लेंगे। 2 मिनट मैंने इसके जूसर को चलाया है और इसका थोड़ा सा जूस हम अलग कर लेंगे। तकरीबन 1 कप मैं अलग कर लूँगी। तो स्ट्रेनर की मदद से आपने इसको छानना है और इसके बीज अलग रखने हैं और इसका जूस आपने अलग करना है। और इसका हमें क्या करूँगी तो आप वीडियो में रहें तो मैं आपको बताऊँगी। तो अब ये जो बाकी का जूस था जिसको हमने पीना है, तो इसके अंदर मैंने 1/2 कप पानी ऐड किया है और 1/2 कप शुगर। अगर आप शुगर ऐड करना चाहें तो बेशक कर सकते हैं, विदाउट शुगर पीना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और यहाँ पर इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए मैं इसके अंदर 1/2 टीस्पून काला नमक ऐड करूँगी। अगर आप नॉर्मल सॉल्ट भी डालना चाहते हैं तो बिल्कुल आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन जो काले नमक से इसका टेस्ट बहुत इन्हेंस हो जाता है, तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब यहाँ पर मैं इसको 2 मिनट मज़ीद ग्राइंड कर लूँगी ताकि जो बीज हैं वो बिल्कुल अच्छे से हमारे अलग हो जाएं और हमारा जूस जो है वो एक अलग हो जाए। तो यहाँ पर स्ट्रेनर की मदद से हम इसको छान लेंगे। और ये जो बीज हैं अगर आप इसको सुखा लें और इसका एक पाउडर बना लेंगे तो ये आप स्क्रबिंग के दौरान यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सर्दियों में ना कीजिए क्योंकि ये थोड़े से हार्ड होते हैं। अब यहाँ पर लीजिए, हमारा अनार का शरबत रेडी है। तो आप इसको पीजिए और रिफ़्रेश हो जाइए और तमाम स्ट्रेस को आप भूल जाएं। तो ये हमारे लिए इंटरनली कितने फ़ायदे का मालिक है, तो आप अगर जान लें तो सच में बहुत सी बीमारियाँ हमारी इस शरबत को पीने से ही ख़त्म हो जाएंगी। को बीज के साथ खाने से हमारा जो मैदा होता है वो बिल्कुल साफ़ रहता है, ब्लड प्रेशर हमारा नॉर्मल रहता है। इसके अलावा हेयर ग्रोथ के लिए इफ़ेक्टिव है। रोज़ाना अनार का शरबत पीने से जो हमारे पेट के अंदर या फिर हमारे जिस्म में जो एक्स्ट्रा चर्बी होती है वो भी इससे ख़त्म होती है। अब आ जाते हैं हम छिलकों की तरफ। और ये जो अनार के दाने हैं मैंने क्यों रखे हैं, तो ये अनार के दानों को मैं सुखा लूँगी धूप के अंदर। तो आप इसको 2 से 3 दिन धूप लगाएं तो ये हमारा अनारदाना बन के बिल्कुल रेडी है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो छिलके हैं इनका मैं क्या करूँगी, तो आपको सबसे पहले ये बताती हूँ कि इनको 2 से 3 दिन आप धूप पे रख दीजिए, और जब ये बिल्कुल कड़क हो जाएंगे पापड़ की तरह तो आप इसका पाउडर बना के रख सकते हैं और आप इसका कहवा बनाइए। और ये हमारे नज़ला ज़ुकाम में भी मुफीद है, और इसको आप कॉन्स्टिपेशन के जो जिनको शिकायत रहती है वो भी इसको यूज़ करें, तो इंशाल्लाह कॉन्स्टिपेशन और नज़ला ज़ुकाम को ये छू मंतर कर देता है। तो यहाँ पर मैं अनार के छिलकों से कहवा कैसे बनाते हैं वो बनाना सिखाती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक पैन के अंदर 1 गिलास पानी ऐड कर दिया है। इसके अंदर 3 से 4 टुकड़े मैंने छिलकों के ऐड कर दिए हैं। तो इसको मैंने पहले अच्छे से धो लिया है और फिर इसके अंदर ऐड कर दिया है। और अब हमने इसको इतना पकाना है कि इसका कलर भी चेंज हो जाए और ये 1 गिलास से 1 कप जितना हो जाए। जब ये 1 गिलास से 1 कप जितना हो जाएगा तो यहाँ पर ये हमारा कहवा रेडी है। और आप इसके अंदर थोड़ी सी चीनी ऐड करके आप इसको पी सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये कड़वा होता है, या आप ऐसे पी सकते हैं। इसके अंदर कुछ ऐड नहीं करना चाहते तो आप बिल्कुल ऐसे भी पी सकते हैं, या फिर नींबू और नमक भी ऐड कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। आप जिस तरीके से पीना चाहें आप इसको पीजिए, और लास्ट में फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि ये आपकी कॉन्स्टिपेशन के लिए या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए कितना मुफीद रहा। तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो इसका टेस्ट थोड़ा कड़वा होता है, आई नो, बट जो कड़वा होता है वही असर करता है। बिल्कुल इसी तरीके से कि जब हमें मीठा बोल कोई बोलता है वो फिर हम भूल जाते हैं, लेकिन कड़वा बोल कभी नहीं भूलते, तो इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। तो अब यहाँ पर चलते हैं हम तीसरी चीज़ की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले बनाएंगे हम क्लींज़र। तो क्लींज़र के लिए मैंने जो जूस पहले निकाला था उसके अंदर से हम ले लेंगे 2 चम्मच अलग से एक क्लीन बाउल के अंदर, और 2 चम्मच इसके अंदर मैं दूध ऐड कर दूंगी। तो आप गाय का ले लीजिए, बकरी का ले लीजिए, जो आपको अवेलेबल हो आप इसके अंदर यूज़ कर लीजिए। और इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर ये हमारा बनकर रेडी हो जाएगा क्लींज़र। और इसको कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। आफ्टर ऑल हमें 1 वीक के अंदर खूबसूरत बनना है, तो हमने सब स्टेप्स को फॉलो करना है। तो आप इन स्टेप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और इन रेमेडीज़ को, तो इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर 100% गारंटी के साथ आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। तो सबसे पहले हम एक कॉटन ले लेंगे,
और इसको क्लींजर में डिप कर लेंगे बिल्कुल इस तरीके से जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ। और क्लीन फेस के ऊपर आपने बिल्कुल इस तरीके से रब करना है, बिल्कुल हल्के हल्के स्मूथली हाथों से करना है। थोड़ा सा आपको जब फेस पे लगाएंगे तो इसको चिड़चिड़ाहट सी महसूस होगी, थोड़ी सी जलन, हल्की सी जलन हो सकती है। एक्स्ट्रा सेंसिटिव स्किन हो तो आप इसको ऐसे यूज़ ना करें, बिल्कुल बस हल्के हल्के हाथों से ऐसे बस अपने हाथों की मदद से लगा लीजिए और फिर इसको 10 मिनट्स तक आपने ऐसे रखना है और फिर फेस वॉश कर लेना है। सबसे पहले आपने अपने इंटरनली वीकनेस को दूर करना है, क्योंकि अगर आप अंदर से वीक हैं तो मुंह पर आप भले कुछ भी कर लेंगे या कुछ भी रेमेडी फॉलो कर लें तो आपको रिजल्ट नहीं मिलते। तो इंटरनली आपने अच्छा होना है और फिर इसके बाद एक्सटर्नली जो भी यूज़ करना है तो 100% आपको रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पर देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और मैंने अपना हाथ धो लिया है, तो दोनों हाथों में आप डिफरेंस देख सकते हैं। अब यहाँ पर बारी है हमारी फेस मास्क की, तो यहाँ फेस मास्क बनाने के लिए मैंने एक चम्मच लिया है गंदम का आटा, सीधा सा जिससे हम रोटी बनाते हैं बिल्कुल वही आटा है, और 2 चम्मच इसके अंदर मैंने अनार का शरबत यूज़ किया है। तो अनार का जूस डालने के बाद इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी मास्क जैसी होनी चाहिए, रनी ना हो, अगर रनी होगी तो फिर आप इसके अंदर थोड़ा सा आटा ऐड कर लें। और अब इसको अप्लाई करने का तरीका यह है कि क्लीन हाथ के ऊपर मैं इसको अच्छे से लगा लूँगी। सच में आपको एक हफ्ते के अंदर अपनी कलर के अंदर और अपनी स्किन का जो टेक्स्चर है उसका खुद आपको फ़र्क महसूस होगा। तो इसे पूरे फेस पर अप्लाई करना है और फिर इसको 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। अब तो सर्दी आ चुकी है तो बिल्कुल ये जल्दी ही ड्राई हो जाएगा, तो जब ये ड्राई हो जाए तो फिर आपने इसको अच्छे से स्मूथली रब करना है। और इसको उतारने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी ताकि आपने इसको कैसे उतारना है। तो पहले आप इसको 15 मिनट तक रखें। अब यहाँ पर मेरा हाथ जो है ड्राई हो चुका है, आपने इसी तरीके से बिल्कुल राउंड मोमेंट में आपने इसको उतारना है। और अगर ज़्यादा दिक्कत महसूस हो तो आप थोड़ा सा पानी लगाएं और हाथ पर इस तरीके से आपने फेस पर भी यही इस तरीके से करना है ताकि आपकी जो डेड स्किन है वो भी रिमूव हो जाए। तो आप इस रेमेडीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मेरे साथ फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा कि आपको ये रेमेडीज़ कितनी इफ़ेक्टिव लगी। अब पहले सारे मास्क को मैं ऐसे ही रब करके उतार लूँगी और इसके बाद फिर आपको मैं वॉश करके दिखाऊँगी। देखें यहाँ पर मैंने वॉश कर लिया है और आप स्किन में खुद डिफरेंस देख सकते हैं कि एक हाथ में मैंने यूज़ किया और एक हाथ पे नहीं, तो आपको खुद फ़र्क महसूस होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने प्यारे के साथ शेयर करना ना भूलें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।